हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेन ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस कंपनी की ओर से अगर देखिएगा तो एक डिविडेंड भी यहाँ पे जो है रिकमेंड किया गया, 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की कंपनी डिविडेंड दे रही है। इसका यहाँ पे जो है रिकमेंड किया गया है जो कि 3 अगस्त से पहले जो है यहाँ पे जो है मतलब कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा या डिस्पैच कर दिया जाएगा डिक्लेयर होने के बाद। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स, जो कि गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। और करोड़ में नंबर्स दिए गए, हम लोग इसका क्वार्टर एंडेड की नंबर्स की बात करें तो 165 करोड़ का इनकम है, जबकि पिछले क्वार्टर में 154 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 156 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस है 150 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 142 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 140 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में देखिएगा तो इनकम से ज़्यादा इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ। इसके बाद प्रॉफिट में गिरावट आने की उम्मीद है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ और मार्च 22 क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है लेकिन ईयर ऑन ईयर में फॉल देखने को मिला, लेकिन फिर भी गाइस नेट प्रॉफिट तेजी आई क्योंकि कंपनी को पिछले साल मतलब मार्च 22 क्वार्टर में 66 लाख का यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट गिरावट आई थी। और इस बार नेट प्रॉफिट निकल के आया है 12 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 13 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी लेकिन ईयर ऑन ईयर में फॉल हुआ, और जिसका सबसे बड़ा रीजन है गाइस टैक्स, जो कि टैक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा है 3.72 करोड़ का, जो कि पिछले साल मतलब मार्च 22 के क्वार्टर के कंपेयर में टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा। इसके बाद प्रॉफिट में गिरावट आई। ईपीएस यहाँ पर 15.55 रुपीज़ का है, पिछले क्वार्टर से ग्रोथ है बट पिछले साल से यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट आएगा इस एवरेज देखने को मिला, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं कर पाई है। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं प्रिंट करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।